अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अदर ब्लॉग के साथ। तो टुडे मैं लास्ट से पाकिस्तान से फाइनली मैं तैयार शहर हो के एयरपोर्ट के लिए जाने लगा हूँ एंड बैक टू लंदन। सो रेडी हो गया। पहले तो ये देखें ये लोग मेरे साथ हैं, इंतज़ार कर रहे थे बाहर भाई, तो सारी रात सोए रहे हैं अभी। खैर अली भाई को हमने मिस किया। अली भाई नहीं, अली भाई किसी वजह से नहीं आए, तो तैयार शहर हो गए। कौन से एप्पल यार, मैं बैठ ला रहा एप्पल प्रो के हेडफोन। खैर हम लेट हो रहे हैं, सुबह 7 बजे की फ्लाइट है। और क्या टाइम हो गया है? 4 बज गए। 4 बजे निकलेंगे, 4:30 पहुँचेंगे, तो फिर अंदर जाऊँगा एयरपोर्ट, जाकर मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आपके रहा ये लानी पड़ी है मुझको एयरपोर्ट पे, क्योंकि बाहर पापा जी ने गाड़ी लगाई है। तो खुद ही लाना पड़ा है, किधर चले। चलो हमें रेडी मैसेज मिल गई है, उनके पास चलते हैं। हाँ जी मिल गई है। ओ इधर से जानी, इधर से जानी। वैसे भी इधर से नहीं। लीर भाई ये मैं जा रहा हूँ, आप जा रहे हैं? लीर भाई मैं जा रहा हूँ, आप जा रहे हैं? आप जा रहे हैं कराची जा रहे हैं? चला चला जा रहे हैं, उन्होंने कहना अंदर से आबिद भाई घने कांड जाना। आबिद अंदर जाके पता करके आना बोस, क्या हो गया? जाए प्रोटोकॉल अंदर ही लगा हुआ अपना, जाइए इनको भाई को दिखाओ ना। अभी रात तो पहुंच चुका हूँ मैं, शहबाज भाई की नींद पूरी नहीं हो रही। शहबाज भाई सोए हुए हैं, शहबाज भाई उठ जाए। तो क्या सामान आपके ग्रुप में आना है? मेरे जद्दा की फ्लाइट है ना, तो ग्रुप का डिपार्चर ऐसे ही होना है। ऐसे ही नहीं नहीं अपना नहीं है ये, आप अपने सीधे हैं यार। तो इधर तो आ, क्या कह रहे थे? अच्छा भाई रो रहे थे, लोग पिज़्ज़ा खा रहे थे हाथों से। लगता है ये भाई ना गाड़ी महसूस है, वो गाड़ी लगा ले यार। मेरी गाल सुनो, अनु एडजस्ट करो, अनु भी खिलाओ, क्योंकि मैं करके जाना है। अनचौके होते रखो, अनचौके होते रखो यार। चलो खैर मैं अंदर जाके मिलता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हो गए, 2 मिनट का तो अभी से हो गया है, तो हम अंदर जाके मिलेंगे। क्या बोर्डिंग के बाद मैं बोर्डिंग करके फिर मिलूँगा आपसे। नाजी ने ज़्यादा बोर्डिंग शूटिंग करवा रही है, और बोर्डिंग उन्होंने काफ़ी तंग किया। बाकी लंदन में इस तरह का सीन होता है कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एडजस्ट नहीं करते थे। उसकी वजह क्या है कि कहते हैं 23 kg है, तो 23 kg ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता। मतलब थोड़ा सा भी 1 किलो भी कभी इन्होंने नहीं किया। जब मैं लंदन से वापस आया था, तो इन्होंने लाइक दोनों बैगों का 23 23 था, 23 23 था, तो उन्होंने एडजस्ट कर लिया था। लेकिन इधर तो बहुत ही ज़्यादा जलालत है। कोशिश करें अपना बैग को घर से पूरा करके आए, क्योंकि यहाँ पे आके बहुत लाल होती है। ये अंकल है, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। यहाँ से लाइन पे लगना पड़ेगा, और लाइन पे लग के आगे जाना पड़ेगा। चलिए मैं अंदर जाता हूँ, कोशिश करता हूँ अंदर बैठ के फिर आपके पास वापस आता हूँ। टाइम काफ़ी कम रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मुझे ये दो भाईजान मिले हैं, अच्छे भाई हैं। ये भाई जो है ना, ये शक्ल देख के भी जान जाते हैं बंदा लंदन जा रहा है कि बहरीन जा रहा है। गर्ल फ्रेंड लेनी थी मेरी टिकट, तो भाई का 4 साल का एक्सपीरियंस है। भाई कुछ बताएं मुझे, कोई आवाम कैसी आती है? आवाम हर तरह का बंदा आता है यार, हर तरह का बंदा आता है। तो ये बताओ, ये 18 पाउंड ले रहे हैं VIP, इसका फ़ायदा है? इसका
नहीं उसका फायदा है आप अंदर जाके देखे न्यू बनाएंगे। लास्ट टाइम आज से 3 साल पहले जब मैं गया था, 3 साल पहले नहीं महीना पहले नया ओपन हुआ, आपने नहीं देखा? महीना भी नहीं हुआ, एक महीना लगा इसको, जैसे बंदा जन्नत में चले गया इस तरह बना। अच्छा जब आपने विजिट करके आए इसका, अभी रिसेप्शन भी होगी अंदर, रिसेप्शन पे बातचीत करके आए कि क्या प्राइस है अंदर की, इस तरह आपको ना विजिट हो जाएगा इसका, विजिट करके आए। अच्छा मजा आएगा। चले वी आई पी लॉन्च, उन्होंने कहा कि 1 महीना पहले खुला है, तो मैं जाता हूँ अंदर देखता हूँ क्या सीन है। महीना लगा ना इस पे, पूरा महीना इसको रिनोवेशन होती है, हर चीज़ फ्री है, खाना पीना क्या मटन देते बीफ देते, तो देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप मुख्तलिफ चले, मैं आता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ, नहीं तो आप आज साथ चले आए, साथ चले आए इनकी ऐसी की तैसी उठा पौन के वी आई पी लॉन्च की तरफ जा रहे हैं। भाईजान ने कहा कि टेंशन नहीं लेनी आपने, उम्मीद है कि वी आई पी लॉन्च 1 मंथ पहले खुला है, अच्छा होगा, अच्छा ना भी होगा ना। थैंक यू, सॉरी, दिस इज़ अ रिसेप्शन एंड ये वी आई पी लॉन्च का नया खुला है। ओके तो खाने ने क्या है, बस ए सी अच्छा अच्छा नॉट बैड, छोटा पौधा शहर का मसला ही है। खैर 18 पाउंड भी तो है ना, बहुत महंगा भाई। चलें पहले तो बहुत बकवास होता था, मैं कह रहा हूँ 1 महीना पूरा इसको रेनोवेशन करने में लगा है, पैसे लगाए इन्होंने। आज से जवेद साहब के पास आए, ये वी आई पी लॉन्च होते हैं और ये इनकी रिसेप्शन है, पूछते हैं क्या सीन है, वाईफाई इनका फ्री है। जी सर कौन है, आप है हाँ जी, ठीक है ना, अब बताएं कुछ बताएंगे तो बिजनेस क्लास लाउंज नहीं है तो पे भी है इसका, पे बता दें कितना फीस क्या है, पे कितना है, बिजनेस क्लास तो नहीं है, इकोनॉमी है जी सर, 4,818 डॉलर। और बिजनेस क्लास का क्या सीन है, बिजनेस क्लास वालों को फ्री है जी सर, बिजनेस क्लास ही है मेरे ख्याल से। वो अभी साथ चलते हैं, प्लेन में बैठने लगा था, लाहौर में इतना गंदा सीन है, लाइक बोर्डिंग पास के ऊपर लिखा हुआ गेट नंबर 21 और वो मुझे गेट नंबर 23 में एंट्रेंस हो रही है, ठीक है 23 से एंट्रेंस हो रही है, 21 लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है लेकिन 23 से एंट्रेंस हो रही है, बोला रश है, मैं आपको वापस दिखाता हूँ बैक करके। यस सीन इस तरह का है कि यहाँ पर पाकिस्तान है ना तो कुछ भी हो सकता है, तो मेरे से आपने अनाउंसमेंट ढूंढी है, अनाउंसमेंट की वजह से मुझे पता चला कि आप गेट नंबर 23 पर जाएँ, आप भी दूसरे गेट नंबर 23 पर जाएँ, गेट नंबर 23 पर जाएँ, डन में यहाँ पे आया हूँ, नहीं तो मैं तो 21 का वो करके बैठा हुआ था। बाकी प्लेन देखते हैं, मुझे तो लग रहा है प्लेन फुल है और जाके पता लग जाए क्या सीन है यार। तो जो भी न्यू फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है तो मेक श्योर आंखें कान हर चीज़ खोल के रखें, ठीक है, बाकी प्लेन के अंदर जाकर मैं वापस आता हूँ आपके पास। यस तो ट्रांसलेट करके मैं ऊपर आ चुका हूँ और ऊपर आने के बाद यहाँ पर 22A में मेरा वो था ओपन हो चुकी है, वो जो बोर्डिंग शोर्डिंग, खैर मैं जो न्यू स्टूडेंट आ रहा हूँ वो पाकिस्तान से इंडिया से कहीं से भी आ रहे हैं तो गल्फ एयरलाइन थोड़ी चीपेस्ट है, इसमें ट्रैवल करें थोड़ा सी इजी वे है और 2-3 घंटे का जो स्टे है वो मैटर नहीं करता, मतलब कि अगर टिकट आपको सस्ती मिलती है तो क्योंकि बहरीन का वाया बहरीन ले लें, गल्फ आएंगे तो वाया बहरीन ही आएंगे, तो वाया बहरीन अच्छा एयरपोर्ट है जहाँ सुकून से सोफों पे बैठ सकता है, बाहर का माहौल अच्छा है, तो 2-3 घंटे ईजीली गुजर जाते हैं, तो 2-3 अगर स्टे वाली होगी तो उसके अंदर आप ईजीली टाइम गुजार सकते हैं, इतनी बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। तो बहरीन एयरपोर्ट भी अच्छा है, बाहर के नज़ारे भी अच्छे हैं, लोग भी अच्छे हैं, तो फील लाइक पाकिस्तान। और ट्रांसलेट के लिए नीचे से मैं ऊपर आया हूँ, अपना ये लगेज देखा बस, मैंने पासपोर्ट दिखाया और अगले
लंदन से या यहाँ से लंदन जाने का वो क्या ना होता है बोर्डिंग पास, वो दिखाना मुझे अंदर चल जाना है, लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो सोचो मैं भी लाइन पे लग के अंदर जाने की कोशिश करना स्टार्ट करूँ, क्योंकि लाइन बढ़ रही है, लाइन बढ़ रही है, वो लाइन है। तो मैं सोचूँ मैं भी अंदर जाने की कोशिश स्टार्ट करूँ, और बाकी आपकी जो वीडियो है वो लंदन जा कर ख़त्म करूँगा, और आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में कुछ टिकट के मामले में चेंजिंग आई है, क्या चेंजिंग आई है, और कितना स्टूडेंट्स के लिए सफर आसान है, कोई टेंशन लेने का मसला नहीं है, जब ड्राइवर ट्रेनर है ठीक है आ जाओ। बाकी मैं लंदन पोर्ट के बाद फिर आपका क्योंकि जहाज के अंदर इतना रश होता है तो बहुत मुश्किल होता था। थैंक यू। ठीक है, जहाज़ बड़ा है, काफ़ी बड़ा जहाज है, जल पेटन का जहाज है, और यहाँ तो आपको ब्रिटिश में जाएंगे या फिर फैमिली से आएंगे, बहुत गर्मी है बेजिंग में, अच्छी खासी गर्मी है, सुबह के 10:45 हो गए। तो यहाँ पर जो ट्रैवल के बाद मैंने क्या किया है ये दिखाया, उन्होंने लाइन काट दी है और निकल जाओ, बस ये देखते हैं पासपोर्ट देखते हैं, बार आपको कॉन्फर्मेशन देखिए, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो मेरे से डरने की जरूरत नहीं है। एयरपोर्ट के अंदर जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि अच्छा है कि नहीं, क्योंकि लास्ट वाला जो प्लेन था वो अच्छा ही था, लेकिन इस फाइन चले मैं अंदर पहुँच ही जाऊँ तो कॉन्टेक्ट करता हूँ, अगर ना हो तो सीधा लंदन पहुँच के फिर मैंने होगा। जी फाइनली फाइनली आई एम रीच लंदन एयरपोर्ट पे, उतर चुका हूँ, इमिग्रेशन हो गई है, इमिग्रेशन में कोई कुछ क्वेश्चन नहीं करते इतना खास, मैं तो पहले भी 2-3 बार आया हूँ, इतना खास मुझे आइडिया था कि क्या क्वेश्चन करेंगे, यूनिवर्सिटी का पता होना चाहिए, कब गए थे, कब वापस आए थे, क्या करने गए थे, बस उस टाइम पर खाली 5 मिनट नहीं लगे, कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, यहाँ से अपना बैग लगेज लूँगा और लगेज एक बार निकल जाऊँगा, अब बाकी बार जाकर बात करता हूँ, लगेज दे दूँ मैं अपना इस टूटी टिकट। जी तो सीधा आते जल्दी अपने रूम में आ गया हूँ, फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ, और मैंने कहा वीडियो का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर तो टाइम ही मिला, गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी लेट थी, लेने वाले लेट आए थे, बारिश बहुत ज़्यादा थी, बहुत 2 घंटे लगे मुझे हीथ्रो से यहाँ आते हुए, तो मैं आपके पास वापस इसलिए आया, मैंने आपको वीडियो का इंतजाम करना था, बताना था, जो भी पाकिस्तान से इंडिया से स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं, आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या कोर्स करें, पहले कौन सा कोर्स किया हुआ, बाकी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, पूरी आपने वीडियो देखी होगी, आपको पता होगा कि कितना आसान है ट्रैवल करना, कोई मसला नहीं है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अल्लाह हाफिज़।